किसान भाइयों, रोग की प्रारंभिक अवस्था में निचली पत्तियों पर हल्के बैंगनी रंग के छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर आँख के समान बीच में चौड़े व किनारे पर संकरे हो जाते हैं। क्या ऐसे लक्षण आपके खेतों में या आपकी धान की फसल में देखने मिल रही है? तो इस रोग की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी किसान भाइयों को देने वाला हूँ। और किसान भाइयों, ये रोग के लक्षण आपके धान की फसल में तनों पे, गाँठों पर भी देखने मिलती है। तो ऐसे लक्षण अगर आपके खेतों में भी दिख रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, आपके खेत की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर सके। किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ धान की फसल में प्रमुख रोग ब्लास्ट रोग। ब्लास्ट एक गंभीर समस्या है धान की फसल के लिए। इसका समय रहते अगर उपचार किया गया तो नहीं किया गया तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या पैदा कर सकती है, हमारे फसल के उत्पादन को और हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ब्लास्ट कितने प्रकार की होती है और ब्लास्ट की समस्या क्यों होती है और ये समस्या कब होती है, और इसके साथ साथ इसके प्रबंधन की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को आप बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। और साथ साथ इस चैनल में अगर नए हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन हुए से दबा दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली खेती किसानी से जुड़ी हर एक वीडियो आप सभी किसान भाइयों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, ब्लास्ट जो है साधारण चार प्रकार की ब्लास्ट होती है। पहला है लीफ ब्लास्ट, और दूसरा कॉलर ब्लास्ट, और तीसरा है नोड ब्लास्ट, और चौथा है पेनिकल ब्लास्ट। लीफ ब्लास्ट, और ज़्यादातर हमारे किसान भाइयों को लीफ ब्लास्ट की समस्या और कॉलर ब्लास्ट की समस्या ज़्यादातर देखने मिलती है। और नोड ब्लास्ट और पेनिकल ब्लास्ट ज़्यादातर इस स्टेज में पहुंचने से पहले सभी किसान भाई इसका रोकथाम कर लेते हैं। किसान भाइयों, ब्लास्ट की समस्या क्यों होती है, इसकी जानकारी मैं बताना चाहूँगा आप सभी किसान भाइयों को। समय पर बुआई और संतुलित उर्वरकों का उपयोग इस रोग को हम सीमित कर सकते हैं। मतलब अगर हम समय पर धान की बुआई करते हैं जो फसल उससे हमारी सुरक्षित रहती है ब्लास्ट से, और समय समय पर उर्वरकों का उचित डोज, जो मात्रा हमें वैज्ञानिकों द्वारा दी गई है एनपीके की, उस मात्रा को हम अपनी फसल में यूज़ करते हैं तो ब्लास्ट की समस्या हमारी खेतों में नहीं होती। तो किसान भाई, आप जान गए होंगे कि ब्लास्ट की समस्या क्यों होती है। और ये इसके अलावा ये मौसम के उतार चढ़ाव की वजह से भी फंगल इन्फेक्शन हमारे खेतों में होने लगती है, फसलों में होने लगती है। ब्लास्ट की समस्या कब होती है, किसान भाइयों ये भी जान लीजिए कि ब्लास्ट की समस्या आपके धान की फसल में कब होती है। तो ये समस्या साधारण हमारी धान की बुआई के 15 दिन के बाद से लेकर धान के पकने के समय तक हम इस रोग के लक्षण अपने धान की फसल में देख सकते हैं। तो ये जानकारी आप जान गए होंगे ये कब होती है। तो इसके लक्षण क्या है ब्लास्ट के, मैं आप किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा। रोग अगर प्रारंभिक अवस्था में है तो निचली पत्तियों पर हल्के बैंगनी रंग के छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, और ये धब्बे धीरे धीरे बढ़कर जो है आँख के समान बीच में चौड़े दिखाई देते हैं, और किनारों पर भी ये थोड़े थोड़े ये हल्के धब्बे आपको दिखने लगेंगे। किसान भाइयों, इन धब्बों के बीच का जो रंग है वो हल्के भूरे रंग का होता है। अगर तने में हो रहा है नोड ब्लास्ट की समस्या है तो ये आपके जो तने की गठानों पर इस रोग का आक्रमण होता है, जिससे वो नोड वाला जगह वो है काली पड़ जाती है, तथा इस पौधे से अगर इस ब्लास्ट से ग्रसित वो नोड है या तना है तो वहाँ पे गठानों से वो टूट जाती है। तो इस प्रकार आप इसके लक्षण को पहचान सकते हैं। अगर इस रोग का प्रकोप धान की बाली पर अगर ज़्यादा मात्रा में आपकी फसल में बढ़ गई है तो बाली पर सड़न पैदा हो जाती है, तथा इससे आपका जो उपज है बहुत ही कम प्राप्त होता है, क्योंकि बाली टूटकर गिर जाती है। तो इस स्टेज में पहुंचने से पहले आप सभी किसान भाइयों को इसकी रोकथाम कर लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन से रासायनिक दवा का उपयोग आप ब्लास्ट की फसल को बचाने के लिए, ब्लास्ट की समस्या से निपटने के लिए आप कौन सी फंगिसाइड का यूज़ करेंगे। वो बहुत ही असरदारक फंगिसाइड है, जिसका नाम मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ साथ इस चैनल में हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
किसान भाइयों, रोग की प्रारंभिक लक्षण दिखते ही आप नाटीवो 75% WG का इस्तेमाल अपने खेतों में फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। साथ साथ इसके लिए आप ट्राईसाइक्लाजोल फंगीसाइड अपने खेतों में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर ज़्यादा असरदारक आप फंगीसाइड की मैं बात करना चाहूँगा, ओमाइसिन, ये बायोस्टेट कंपनी की फंगीसाइड है जो खासकर ब्लास्ट के लिए आती है। इसका टेक्निकल मैं बताना चाहूँगा आप सभी किसान भाइयों को, कासुगामाइसिन इसका टेक्निकल है। कासुगामाइसिन 3% SL के रूप में ये ब्लास्ट के नियंत्रण के लिए बहुत से किसान भाई इसका यूज़ करते हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा देखने मिलता है। तो आप भी किसान भाई इसका यूज़ अपने ब्लास्ट की समस्या अगर आपके खेतों में हो गई है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कासुगामाइसिन या ओमिसिन बायोस्टेट कंपनी की ये दवाई है। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, साथ साथ अगर इस चैनल में नए हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा उसे दबा दीजिए। और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।